हेलो फ्रेंड्स, अगर आप 12th ऑनवर्ड्स किसी प्रोफेशनल कोर्स को करके एक स्टेबल करियर चाहते हैं तो आज हम एक ऐसे ही मोस्ट रिनाउंड एंड हाईली पॉपुलर कोर्स की इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाए हैं और उसका नाम है BA LLB। अगर आप लॉ, जुडिशरी या लीगल सर्विसेज में करियर बनाना चाहते हैं तो BA LLB विल बी द बेस्ट ऑप्शन। ये 5 ईयर्स का अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसको आप 12th ऑनवर्ड्स ज्वाइन कर सकते हैं। गेट रेगुलर अपडेट्स ऑन कोर्सेज, कॉलेजेस, करियर एंड स्कॉलरशिप्स। सब्सक्राइब vidya.in। आज हम BA LLB कोर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके करियर अपॉर्चुनिटीज, आपको ये कोर्स करना चाहिए नहीं, किस तरह की प्रोफाइल आपको मिल सकती है, इस कोर्स को करने के बाद क्या पढ़ाया जाता है, इसका एंट्रेंस एग्जाम, टॉप कॉलेजेस, फी स्ट्रक्चर, सभी रिलेवेंट एंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जिससे आप आसानी से डिसाइड कर पाएं कि आपको BA LLB करना चाहिए या नहीं। बस आप रिलैक्स होकर कहीं बैठ जाएं, इस वीडियो को ध्यान से सुने। अगर अभी बिजी हैं तो इसको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर लें जिससे कि जब आप फ्री हो तब आसानी से इसको देख सकें। और वीडियो को देखते समय आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट आता है तो आप उसे हमसे हमारे व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम पे या फिर हमारी वीडियो में कमेंट करके हमसे शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी डाउट्स को हम जल्दी से जल्दी क्लियर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। BA LLB का फुल नेम बैचलर इन आर्ट्स एंड बैचलर इन लेजिस्लेटिव लॉ है जिसको कि आप 12th किसी भी स्ट्रीम से पास करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक इंटीग्रेटेड लॉ डिग्री है जिससे आपको इंडियन लीगल सिस्टम की कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज मिलती है। इस पर्टिकुलर कोर्स से आपको थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉ इन रियल वर्ल्ड की भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल एंड एनालिटिकल स्किल अच्छी है देन दिस कोर्स इज परफेक्ट फॉर यू। इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स को सही तरह से ड्राफ्ट करना, उसके साथ साथ बिजनेस लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इलेक्शन लॉ, पॉलिटिकल साइंस, प्लीडिंग जैसे सब्जेक्ट्स की इन डेप्थ नॉलेज दी जाती है। BA LLB कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप चाहें तो AIBE दैट इज ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और एज ए लॉयर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर कोर्स को करने के बाद आप सिर्फ लॉयर ही नहीं बल्कि लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल काउंसलर एंड लीगल एसोसिएट की फील्ड में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो BA LLB कोर्स कंप्लीट होने के बाद LLM कर सकते हैं जो कि 2 ईयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको कोर्स सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कुछ पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम की। वैसे तो काफ़ी सारे कॉलेजेस में आपको मेरिट बेसिस पे डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, बट अगर आप इंडिया के टॉप कॉलेजेस से इस पर्टिकुलर कोर्स को करना चाहते हैं तो आप एंट्रेंस एग्जाम जरूर दें। आप CLAT दैट इज कॉमन एडमिशन टेस्ट, AIELT दैट इज ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, सिम्बियोसिस एंट्रेंस टेस्ट, लॉ एडमिशन टेस्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट जैसे एग्जाम्स दे सकते हैं। इन सभी एग्जाम्स का एप्लीकेशन जनवरी में स्टार्ट हो जाता है और ये एग्जाम्स मई या जून के मंथ में होते हैं। सभी एग्जाम्स की डिटेल में जानकारी के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करके सब कुछ डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, हम कोशिश करेंगे कि उस पर्टिकुलर एग्जाम की वीडियो आपके लिए जल्दी से जल्दी लेके आए। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको क्या पढ़ाया जाता है, यानी कि BA LLB का सिलेबस क्या होता है। BA LLB में आपको बिजनेस लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडवोकेसी स्किल, क्रिमिनोलॉजी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस लॉ, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स, कॉम्परेटिव लॉ, फॉरेंसिक लॉ, ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग, इंग्लिश एंड लीगल लैंग्वेज, इलेक्शन लॉ, लॉ एंड लेबर सर्विसेज, उसके साथ साथ प्रॉपर्टी एंड सिक्योरिटी लॉ, इनडायरेक्ट टैक्सेस, हेल्थ केयर लॉज के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाता है। काफ़ी सारे कॉलेजेस में आप BA LLB या फिर LLM कुछ स्पेशलाइजेशंस के साथ भी कर सकते हैं। आप क्रिमिनल लॉ, बिजनेस लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ह्यूमन राइट, इंटरनेशनल लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कॉर्पोरेट लॉ एंड लेबर लॉ जैसे स्पेशलाइजेशंस चूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि BA LLB कोर्स करने के बाद आप किस तरह की प्रोफाइल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप एज ए लॉयर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कंपनी सेक्रेटरी, नोटरी, लॉ रिपोर्टर, सॉलिसिटर, अटॉर्नी जनरल, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज,
लॉ एसोसिएट, स्टेट प्रोसिक्यूटर, लीगल एडमिनिस्ट्रेटर, लॉ ऑफिसर, क्वालिटी एनालिस्ट जैसी प्रोफाइल्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं BLLB कोर्स के फीस स्ट्रक्चर की। अगर आप इस पर्टिकुलर कोर्स को किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आपकी फीस अप्रॉक्स 30,000 to 40,000 पर एनम की हो सकती है, बट अगर आप इसको किसी प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आपकी फीस up to 2 lakh पर एनम तक हो सकती है। ओवरऑल अगर हम एवरेज समझें तो 5 साल का कोर्स अप्रॉक्स 6 to 7 lakh तक में कंप्लीट हो जाता है। अब हम आपको इंडिया के कुछ टॉप लॉ कॉलेजेस के बारे में बताते हैं जहां से आप BLLB कोर्स कर सकते हैं। आप नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, जोधपुर, भोपाल, रायपुर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंसेज कोलकाता, हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर, सिम्बियोसिस लॉ स्कूल, ICFAI लॉ स्कूल हैदराबाद जैसे कॉलेजेस से ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और भी कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करके इंडिया के और भी रिनाउंड कॉलेजेस के बारे में जान सकते हैं। अगर हम सैलरी की बात करें तो BLLB कोर्स को करने के बाद एज ए फ्रेशर आपको अप्रॉक्स 5 to 7 lakh पर एनम का पैकेज मिल सकता है। उसके आगे का आपकी स्किल और आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। एक बार अगर आप अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं तो आपको 2 to 3 lakh पर मंथ की सैलरी भी आसानी से मिल सकती है। फ्रेंड्स, आई होप हमारे इस वीडियो से आपको BLLB कोर्स से जुड़ी हुई सभी इन्फॉर्मेशन जरूर मिल गई होगी। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो उसे आप हमसे WhatsApp से, Instagram से या फिर हमारे वीडियो में कमेंट करके हमसे शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसका आंसर हम आपको जल्दी से जल्दी दें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल सिलेक्ट कर दें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।